आलो अंधारी पाठ की लेखिका है बेबी हालदार, और इस पाठ का आज हम सारांश और प्रश्नोत्तर करेंगे। लेखिका पारिवारिक नौकरानी का काम करती थी और वह काम करते हुए उसने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय भी दिया। वह अपने पति से अलग अपने दो छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसका कोई सहारा भी नहीं था, इसलिए उसे बच्चों का पालन पोषण करने की चिंता हमेशा बनी रहती थी और वह हमेशा काम की खोज में लगी रहती थी। लेखिका सबको कहती थी कि उसके लिए काम की तलाश करे। जब वह काम की तलाश में जाती थी और लौट करके वापस आती थी तो पड़ोस की औरतें आकर के पूछती थी कि काम मिला या नहीं मिला। काम ना मिलने पर वे उसे सांत्वना भी देती थी। सुनील नाम के एक युवक ने एक दिन उसे मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक थोड़ा भला आदमी था तो इसने लेखिका को काम पर रख लिया। 800 रुपये महीने उसको तनख्वाह पे घर की सफाई, खाना आदि बनाने के लिए काम पर रख लिया गया। लेखिका के आने से दूसरी काम वाली हटा दी गई थी, जिसने लेखिका को बहुत बुरा भला कहा। लेखिका उस घर में रोज़ सवेरे आती और दोपहर का सारा काम करके घर जाकर के बच्चों को नहलाती और खुद का खाना भी बनाती। बच्चों के कारण उसे हमेशा चिंता बनी रहती थी कि केवल 800 रुपये में काम कैसे चलेगा। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण उसने दूसरा मकान ढूंढ लिया था। यहाँ पर किराया तो कम था लेकिन बाथरूम वगैरह नहीं थी, बाथरूम भी नहीं था और शौचालय भी नहीं था, तो इसलिए उसे बाहर जाना पड़ता था और अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उसे हर समय बच्चों की चिंता थी तो वह जगह जगह काम की तलाश में रहती थी। उसके मकान मालिक तातुष बहुत ही सज्जन थे और वे बेटी की तरह उनका ख्याल रखते थे। साफ सफाई के दौरान उन्हें कुछ पुस्तकें मिलती हैं, पुस्तकों को वह देखने लगती है। तब तातुष कहते हैं कि इसे घर जा कर के पढ़ना और उसे एक बुक दे देते हैं। तातुष ने उसे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के बारे में बताया। तातुष उसे एक दिन पेन और कॉपी देते हैं और लिखने के लिए उत्साहित करते हैं। लेखिका का बच्चों के साथ अकेले रहना समाज में लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं होता और अक्सर लोग उससे छेड़खाने की कोशिश करते, बेमतलब की बातें भी किया करते थे। मकान मालकिन उसे बेवजह टोकती रहती थी और मकान मालकिन का लड़का उससे शरारत करने की कोशिश में लगा रहता था। एक दिन जब वह काम से लौटी तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ है और उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा हुआ है। लेखिका रोने लगी तो बच्चे भी रोने लगे और वह सोचने लगी कि अब क्या होगा, इतनी जल्दी दूसरा मकान कैसे ढूंढेंगे। उस दिन वह पूरे रात खुले आसमान के नीचे बैठी रही और उसे इस बात का दुख था कि आज उसके साथ कोई मर्द नहीं है, अन्यथा ये सब दुख उसके साथ नहीं होते। सबसे बड़ा उसको दुख ये था कि उसके दो दो भाई पास में ही रहते थे मगर कोई भी उसका हाल पूछने नहीं आया। तातुष को पता चलता है कि वह बेघर हो गई है तो उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा देते हैं और इस प्रकार से लेखिका का जीवन चलने लगा। दोनों बच्चों को और माँ को खाना भी अच्छे से मिलने लगा। जब कोई बीमार हो जाता तो तातुष उसे दवाई दिलवा करके लाते थे। लेखिका का बड़ा लड़का कहीं चला गया था और उसे हर समय चिंता रहती थी कि वह कहाँ होगा, तो उसका मन उदास होने लग जाता था। एक दिन तातुष ने उस लड़के की खोज करनी शुरू कर दी और वह अपने बड़े लड़के से मिल पाई। तातुष हमेशा उसे लेखन के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तातुष के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो मित्र के वहाँ आकर रहने से लेखिका का काम बढ़ जाता है और वह खुशी खुशी सारा काम करती है। वो लोग भी उससे अपने जैसा व्यवहार करते हैं।
थातुष ने सोचा कि सारा दिन काम करते करते बेबी थक जाती होगी, तो उन्होंने उसे पार्क में जाने के लिए कहा। इससे बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा। पार्क में उसकी मुलाकात नए नए लोगों से होती। वहाँ पर एक बंगाली लड़की भी उसे मिलती है। अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका जल्दी ही पार्क जाना भी बंद कर देती है। लेखिका को किताब पढ़ने, अखबार पढ़ने और लिखने में आनंद आने लगा और वह निरंतर लेखन का कार्य करती रही। और व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी वह कुछ न कुछ लिखती रहती थी। कोलकाता और दिल्ली के मित्र भी उसका उत्साह बढ़ाते थे। कोलकाता के मित्र ने लेखिका को आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर के बताया कि किस प्रकार से वह लिखती थी। लेखिका का हौसला इससे बढ़ता है और लेखिका की एक अध्यापिका शमिला भी लेखक का उत्साह बढ़ाती थी। एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उससे मिलने आते हैं और उसे पता चलता है कि माँ का निधन हो गया है। उसके भाइयों को पता था मगर उन्होंने बताया नहीं। काफ़ी देर तक वह अपनी माँ को याद करके रोती रही। बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की और उन्हें समझाया कि वे अपनी माँ का ख्याल रखें। लेखिका का कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू हो चुका था। शमिला दी के पत्र भी आते थे। वह चकित रह जाती थी यह पढ़कर कि लोगों को उसका लेखन कितना पसंद आ रहा है। शमिला दी उसे कई तरह के उदाहरण देकर के समझाती थी। लेखिका ये सोचती थी कि अगर उसे तातुश नहीं मिलते तो उसका जीवन जो है पता नहीं कैसा होता। लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी भी नहीं आई थी। तातुश ने आकर के उसका जीवन ही बदल दिया था। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लग गया था। छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। इस प्रकार से तातुश की छत्रछाया में वह एक लेखिका बन जाती है। पहले लेखिका सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर नहीं जिया जा सकता, मगर अब उसने जीना सीख लिया था और वह अपनी हर परेशानी तातुश को बताती थी। लेखिका के आने से तातुश के जीवन में भी बहार आ गई थी। कभी कभी तातुश उसकी जिज्ञासा से परेशान होते और कहते, जाओ बच्चों को तैयार करो, काम धाम करो। आखिर वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिल जाती है और उसका लेख एक पत्रिका में छापा जाता है जिसका शीर्षक होता है आलो आंधारी बेबी हालदार। और वह इतना प्रसन्न होती है कि सबका काम धाम छोड़ कर के उस रचना को दिखाते हुए घूम रही थी। तातुश के प्रति उसका मन श्रद्धा से भर गया था।